दोस्तों वो पता है मैं अपने कंप्यूटर की समस्या सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, वो है केबल्स। जी हाँ, और इन समस्या से सब समस्या है, क्योंकि अगर आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं जो एक टेबल पड़ा रहता है, तो इसकी जो वायर्स है वो ऐसे लटके रहते हैं और ये अच्छे नज़र नहीं आते। आप अगर इनको छुपाना चाहते हैं तो या तो आप अपना जो कंप्यूटर है वो दीवार के पास रख लीजिए, पूरा सटा कर रख लीजिए। लेकिन हो सकता है कुछ लोग वहाँ नहीं रखना चाहते हो या कुछ लोगों की मजबूरी हो। जैसे मेरी ये मजबूरी है कि मैं अगर दीवार के पास रखता हूँ तो रोशनी निकम आती है और मैं वहाँ पर हवा कम है, इसलिए मैं वहाँ काम नहीं कर पाता हूँ। तो मैं जाते हुए भी इसको कमरे के बीच बीच उपयोग करता हूँ, यहाँ पर मुझे लटके हुए वायर दिखाई देते हैं। तो मैंने सोचा कि यार दोस्तों ये जो तार है ये अच्छे वगैरह नहीं लगते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक केबल ट्रे लेके आता हूँ जो अमेज़ोन पे या फिर फ्लिपकार्ट बहुत तरह की मिलती है। और मैंने जैसे ही फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर केबल ट्रे लेके ना, तो वहाँ देखकर मुझे अफसोस हुआ दोस्तों कि सबसे पहले बात जो केबल ट्रे थी ना ये बहुत ही महंगी थी, यानी कि 50 सेंटीमीटर के 240 रुपये ले रहे थे और मेरी टेबल थी 4 फीट, तो सोचिए कितना लगता था। और जो ये केबल ट्रे थी ये कुछ लोहे की थी कुछ प्लास्टिक की थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। वो मेरा जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा यार दिमाग काम नहीं कर रहा है, काम करते लाइट जलाते तो हो सका मेरे दिमाग की बत्ती चल जाए। और मैंने लाइट चलाई और मेरे दिमाग की बत्ती चल गई दोस्तों। मेरे जो आप LED देखते हो ना घर में, आपके सफ़ेद सफ़ेद रंग की लगी होती है, प्लास्टिक की आती है इसके ऊपर ब्लॉक। मैंने सोचा भाई ये भी प्लास्टिक की है, जो केबल ट्रे मिलती है वो भी प्लास्टिक की, बस उसमें थोड़ा छेद वगैरह आ रहे हैं, क्यों ना मैं इसको वायर मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर लूँ या केबल ट्रे की तरह यूज़ कर लूँ। तो मैंने मेरे घर में पुरानी पड़ी हुई थी, मैं उसको लेके आया और उसका ऊपर का जो प्लास्टिक का ढक्कन था ना, मैंने उसको खोल दिया। और उसको खोलने के बाद मैंने उसको चाकू से काट दिया, ठीक है। चाकू से काटने के बाद मैं जहाँ जहाँ से जो मोटे मोटे वायर थे ना, जैसे कि आपके पावर सप्लाई का वायर है, मॉनिटर का वायर है, स्पीकर का वायर है, वहाँ से मैंने इसके 3 छोटे छोटे इसके अंदर पार्ट्स काट लिया। मैंने बोला इससे मैं मोटा मोटा वायर ले जाऊंगा, ठीक है। ये ले जाने के बाद मैंने उसको देखा कि जो मेरे भाग कटे हुए हैं वो परफेक्टली तो कटे हुए हैं ना, हाँ मैंने सब कुछ एडजस्ट किया, ठीक है। अब मैंने सोचा कि भाई एकदम कटे हुए तो इसके अंदर मैं अपना तार बिछा कर देखता हूँ कि वो तार फिट आते नहीं आते। तो मैंने मॉनिटर के, स्पीकर के, पावर सप्लाई के जितने वायर थे सब इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। और अभी मैं इसको अपने टेबल पे लगाना चाहता था कि भाई ये लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, तो मैंने देखा तो परफेक्टली लग पाए। और इसको देखकर दोस्तों मेरा दिल इतना खुश हुआ कि पूछो मत। एक तो मेरे जो फालतू के तार थे वो सब गायब हो गए और मेरे पैसा का भी बच गया, क्योंकि ये मुझे पुरानी LED का था, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो दोस्तों देखो, अगर आप केबल ट्रे लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन वो महंगी बहुत है। अगर आप बजट में काम करना चाहते हैं तो ये ले सकते हो, लेकिन इसके लिए दोस्तों जो आपकी टेबल है ना, तो उसका जो ऊपर वाला भाग है ना वो थोड़ा पतला होना चाहिए, ठीक है। 3-4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ज़्यादा मोटा होगा तो ये LED वाला आएगा नहीं, इसलिए पतला होना चाहिए। बाकी ये उपाय कर लीजिए दोस्तों, आपका जो वायर है एकदम छुप जाएगा। और कुछ बंदे जब मेरे घर पर आए तो उन्होंने ये जुगाड़ देखा था, वो बोले भाई यार क्या मस्त काम किया तूने भाई, वायर भी छुप गए और कंप्यूटर दिखने में फर्स्ट क्लास दिखता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कंप्यूटर पसंद है ऐसी वीडियो देखना चैनल सब्सक्राइब करने, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।